ये पूरी डेड है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो की हाल चाल है आप सभी के। तो अभी मैं जस्ट आया था जेपी मोटर्स और ये मेरे फ्रेंड का ही वर्कशॉप है। तो एक्चुअली बात ये था कि बहुत टाइम से मैंने सर्विस नहीं कराया था बाइक का, तो हमने सोचा सर्विस कर लें, बट काफ़ी दिन से बंद था तो मैंने बात करके रखा था, बट आज खोले तो आज आई थिंक वर्कशॉप पे काम हो नहीं पाएगा। और आई थिंक अभी परमिशन भी नहीं है, 3 तारीख से आई थिंक परमिशन है गैराज वगैरह खोलने का। तो मैंने सोचा काम करा लूँ क्योंकि अपने को निकलना है लॉन्ग राइड पे, जैसा कि मैंने बताया था। और इसमें है चार्जर, क्योंकि ये चार्जर का ये जो पिन है ये काफ़ी ढीला हो गया है, तो मेरे को दूसरा चार्जर इसमें फिट करना है, क्योंकि चार्जर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यार लॉन्ग राइड पे। तो ये है, तो आज काम अपना हो नहीं पाएगा। बाइक बहुत गंदी है क्योंकि आज रात में बारिश हुआ तो लेके आया, रोड पे पानी था तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया, तो आज तो काम हो नहीं पाएगा यहाँ पे। तो लेट से अगर कल आएंगे तो ठीक है, लेकिन अभी चलते हैं KTM सर्विस सेंटर। अगर वहाँ पे कोई होगा तो पूछेंगे कब खुलेगा, अगर वहाँ खुल गया तो फिर अपन वहाँ पे काम कराएंगे, क्योंकि बिना काम कराए अपने को राइड पे निकलना मुश्किल हो जाएगा यार, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने कुछ काम कराया नहीं है इसमें, तो यही बात है। प्लानिंग ये चल रही है कि मैं 5 से 6 तारीख को यहाँ से निकलूँ, और क्योंकि मानसून भी आ गया है, अगर मैं ज़्यादा लेट करूँगा तो बारिश भी आ जाएगा और मुंबई से निकल नहीं मिलेगा, तो इसलिए फटाफट अपना काम कराना। अभी मैंने एक सैडल बैग भी मंगाया है पीछे बांधने के लिए, क्योंकि मेरा पुराना बैग था वो ख़राब हो चुका है। तो अभी हम चल रहे हैं KTM सर्विस सेंटर, जो कि वैसे तो बंद ही है वो तो मुझे मालूम है, बट कोई है गार्ड वार्ड कुछ यार, ऐसी सब गाड़ियां इधर ही छोड़ दी हैं, कोई तो होना चाहिए, कोई तो था, गार्ड वार्ड तो है। पता 390 एडवेंचर भाई ऐसी ही खड़ी है नंगी इधर बाहर, क्या बात है यार, कोई तो होना चाहिए। तो अभी अपनी बाइक एकदम गंदी हुई है, बट राइड पे जाने से पहले हम सब कुछ करा लेंगे, साफ सफाई और जो भी मेरे को लग रहा है वो सब करा लेंगे काम। कूलेंट चेंज कर, मतलब कूलेंट करना है, इंजन ऑयल चेंज कराना है, एयर फिल्टर सब दिखाना है, और बैटरी का थोड़ा इशू हो रहा था वो थोड़ा सा चेक कराना है, ये सब सारी चीज़ें थी यार। चलो यहाँ से चलते हैं। कहते हैं जब कोई काम नहीं आता तो दोस्त काम आता, मतलब तो मतलब काम नहीं होता तो तेरे पास फोन किया था, तूने बोला एक गैराज खुला हुआ है जो कि राहुल के पहचान, तो प्रॉब्लम ये हुआ मैं इसके घर के पास है, इसने एक RC 390 निकाल ली जिसकी बैटरी पूरी पूरी डाउन हो चुकी है, तो अभी टो करके उसको हमको गैराज लेके जाना है। ये पूरी डेड है, भाई गिराना उराना नहीं। अभी अपने को राइट से जाना है, हाँ राइट से जाना है, उधर रास्ता बंद है, बंद है मतलब हाँ। राइट लेना है। चल भाई जो बिना बाइक स्टार्ट किए हुए चलाया है नहीं,
मैं डेड आरसी 390 चला रहा हूँ भाई। राइट राइट राइट। अबे लोग सोचेंगे चोरी की बाइक है। इसका कोई टेंशन नहीं, सब पेपर है। नहीं मैं कैसे हो? ये देखो डेड केस केटीएम आरसी 390 को ले आ इधर अपनी बाइक आगे। ये देखो ये आरसी 390 है, इसको टो करके लेके आया और इसकी बैटरी पूरी डेड है, मतलब बाइक पूरी डेड है। तो क्या हुआ सर इसमें? बाइक बंद थी 2 महीने से, तो बैटरी पूरी डेड हो गई। अब चार्जिंग पे देंगे और चालू करेंगे फिर। और ये हमारी बाइक इधर है, तो आज तो काम नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर देखो सब बंद पड़ा है, एक एक दो दो जन काम कर रहे हैं ऐसा। तो आई थिंक परसों लेके आएंगे तो अपना काम हो जाएगा, परसों होएगा। तो ज़्यादा काम है नहीं, थोड़ा बहुत काम है, तो कल हो जाए तो सही रहे यार। कल हो पाएगा? कल नहीं हो पाएगा। फिलहाल अभी खा रहे हैं आइसक्रीम क्योंकि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और अभी हम आए हैं राहुल को छोड़ने के लिए उस घर पे। आजा भाई तुम्हें शक्ल वक्ल दिखा दो। अभी हम घर जा रहे हैं, बस हो गया आज के लिए। बारिश अभी धूप निकल रही है तो हमें भी गर्मी लग रही है। आज मैं ये सोच के निकला था कि आज मैं पूरा काम करा लूंगा, लेकिन फिर वही है गाड़ी की ना। परसों बोला ना वो तेरा करेगा,